राजधानी दिल्ली के गाजीपुर फूल मंडी में बैग में बम मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे बम डिस्पोजल की टीम ने बम को डिफ्यूज किया। इस दौरान आवाज हुई। दरअसल तकरीबन 10:30 बजे गाजीपुर फूल मंडी में खड़ी एक स्कूटी पर लावारिस बैग पड़ा मिला। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। लावारिस बैग की सूचना मिलते ही लोकल पुलिस स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच लावा डिजास्टर मैनेजमेंट फायर ब्रिगेड के साथ ही बम डिस्पोजल स्क्वाड बीच मौके पर पहुंची और उसने बैग की जाँच की तो बैग में बम होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद गाजीपुर फूल मंडी परिसर में बम को डिफ्यूज किया गया। इस दौरान धमाका भी हुआ। इससे पहले सुरक्षा की दृष्टि से गाजीपुर फूल मंडी और इसके आसपास के क्षेत्रों को खाली करा लिया गया था। वहीं चश्मदीद ने बताया कि वह गाजीपुर फूल मंडी में फूल बेचता है। उसके दुकान के सामने एक स्कूटी खड़ी थी। कुछ देर बाद एक युवक आया और उसने कहा कि उसकी स्कूटी पर किसी ने बैग रख दिया है, जिसके बाद पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन जी, क्या देखा था आपने यहाँ? ये कुछ नहीं देखा, मिहाई दुकान लगती है। जो भी सामान लेते हैं, कस्टमर आया उसने सामान लिया, सामान लेने के बाद कस्टमर आया, गाड़ी खड़ी करने के बाद उसने सामान लिया, सामान लेने के बाद वो चला तो उसकी गाड़ी पे बैग था। उसने कहा कि ये किसका बैग है, तो पता नहीं किसका है, तो उसने उठा के एक साइड में रख दिया बैग। बैग किस पे रखा हुआ था? स्कूटी पे। जो स्कूटी पे था आपने देखा था, कोई बंदा था स्कूटी लेके आया था, कुछ मालूम है आपको? नहीं नहीं ऐसा हमने, क्योंकि हम अपनी दुकान से मतलब रखते हैं। तो आपके दुकान से कितने दूर पे था ये बैग? थोड़ी दूर था वैसे। तो बैग किस कलर का था, कुछ मालूम है आपको? नहीं ऐसा नहीं देखा। पुलिस कितने बजे आई थी यहाँ पे जब कॉल मिलने? पुलिस थोड़ी देर बाद आ गई थी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।